नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मदेव का अच्छा संकेत आपकी कुंडली पर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि बड़े ही किस्मत वाले लोगों को ऐसे कुंडली में योग का निर्माण होते हैं जो कि साक्षात ब्रह्मदेव का संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा उच्च के चल रहे हैं, साथ ही गुरु और शुक्र की जो दशा है आपके लाभ भाव के लिए बहुत ही धन को अर्जित कर रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों इनका सीधा सीधा संकेत मिल रहा है कि गुरु ब्रह्मा का आशीर्वाद आपकी कुंडली पर पड़ चुका है, जो कि आने वाले 7 दिनों तक इनका असर रहता है। जी दोस्तों, और आने वाले 7 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में गुरु ब्रह्मा का बहुत ही बड़ा कृपा मिलने वाले हैं। प्रकार से कहें दोस्तों, आपके कार्यों में, आपके ग्रहों की स्थिति में बहुत ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके सभी का भाग्य बिल्कुल भी बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले 7 दिनों तक स्वयं ब्रह्मा आपके जीवनकाल पर विराजमान रहने वाले हैं। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आप सभी का जो किस्मत होगा वह बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अश्वमेध आपके भाग्य में जो भी छोटे छोटे अड़चने थी, जो भी छोटे छोटे अवरोध थे दोस्तों, वो खत्म होंगे और यश में आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े मौके को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यश में आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें लेकर सावधान रहना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आपको करने से बचना होंगी। जी दोस्तों, साथ ही आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके आर्थिक स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र में इनका जो प्रभाव होगा वह कैसा होगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्रत्येक क्षेत्र में मिलने वाली है, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, सदस्यों इसमें आपको कौन से उपायों को भी करना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पूर्णतः आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें आप मिस करने की भूल ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा। जी दोस्तों, उससे पहले जो भी भगवान ब्रह्मदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय ब्रह्मदेव जरूर लिखिएगा, भगवान ब्रह्मदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का 5 सच, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। इज्जत सिर्फ पेशे की है, इंसान की नहीं। और 5वां, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह 5 बातें या 5 गण अगर आपको सच लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय हो श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों पिछले के साथ बात करते हैं कि आने वाली 7 दिनों तक गुरु ब्रह्मा का जो असर है आपके जीवन काल पर क्या क्या देखने को मिलेंगे। दोस्तों, किसी विशेष कार्य के प्रति पिछले कुछ समय से चल रही आपकी मेहनत यशोमय सफल रहेगी और आपका अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाना आपको इसमें शुभ परिणाम देगा। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, यशमय अपने योग्य तरीके से अपने कार्यों को करें, क्योंकि दोस्तों यशमय ग्रह स्थिति के कारण आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों यशमय समय को ना गंवाएं और अपने कार्यों पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। समाज में भी आपके साथ बहुत अच्छा वर्ताव होगा। दोस्तों आपको बता दें कि समाज में भी आपके योगदान व फिर काम की बहुत अधिक प्रशंसा होगी, क्योंकि दोस्तों यश में आपके कार्य सभी के सर पर चढ़कर बोलेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें। कुछ लोग जो है जलन की भावना से आपके खिलाफ यश में गलत फहमियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों इनसे आपको यशमय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने नज़दीकी संबंधियों के साथ संबंध उचित बनाकर रखें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो ये आपके पीठ पीछे कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय है आपको ढेर सारी खुशियाँ भी दिला सकता है। पार्टनर के साथ संबंध सुधारने की वजह से आपका पारिवारिक जीवन की तरफ जो है ध्यान अधिक रहेगा। दोस्तों परिवार के साथ वक्त बिताना आपको इसमें मानसिक समाधान दिला सकता है। अविवाहित लोगों को भी विवाह संबंधित प्रगति इसमें नजर आएंगी। जो भी अविवाहित व्यक्ति है उनको इसमें विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं।
और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होगा दोस्तों। जरूरतमंद तथा बुजुर्गों की सेवा और फिर देखभाल संबंधी संस्था में आपका विशेष सहयोग रहेगा, जिससे आपका इसमें मान सम्मान और इज्जत परपरता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक व फिर सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका इसमें रुझान बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी आपके मनोबल को और अधिक इसमें बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में कोई काम अचानक से बन सकता है, जिससे आप विजय हासिल करेंगे और इनकी खुशी आपको इसमें एहसास होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि अपने अधिकतर महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही निपटाने की आप कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों दोपहर के बाद जो परिस्थितियाँ हैं कुछ विफल होने की आशंका बन रही है, क्योंकि दोस्तों ग्रह स्थिति ऐसी इसमें बनी हुई है। दोस्तों इसमें आपको बता दें सलाह के अनुसरण करने से पहले अपने बारे में अच्छी तरह आप सोच विचार अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको कोई भी सलाह किसी का लेंगे वह गलत भी सलाह आपको दे सकते हैं, तो दोस्तों यश में उनका अनुसरण करना भी आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि काम से संबंधित तनाव अधिक बढ़ने की वजह से सेहत पर इसका असर भी दिख सकता है। दोस्तों आपने तय किए हुए लक्ष्यों को फिर से एक बार परखने की आवश्यकता होगी। पैसे की चिंता दिन भर सताती रहेगी, लेकिन पैसे के मामले में जितनी चिंता आपको सता रही है उतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें यश में अच्छी इनकम भी आपकी होगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगी। आपको बता दें कि यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में होंगी, आपको बेहतरीन अनुबंध भी प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको अपने काम की क्लैरिटी को और अधिक बेहतर करने की जरूरत होगी। इसलिए दोस्तों अपने काम के क्वालिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए। जितना आप अपने क्वालिटी को बढ़ाएंगे उतनी अच्छी इनकम और उतनी अच्छी कामयाबी यश में आपको प्राप्त होंगी। अधीनस्थ कर्मचारी के बीच भी आपका वर्चस्व इसमें बना रहेगा, जिससे दोस्तों आपका मन इसमें काफ़ी खुश और प्रसन्न रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि यश में खर्चों के साथ साथ इनकम भी बढ़ सकती है। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो समय होगा आपके लिए उत्तम समय होगा, तो यश में आप अपने जो भी रुके हुए धन है उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में भी ये जो समय है लाभदायक स्थितियाँ बन रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के अवसर बनेंगे, तो दोस्तों यश में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी हासिल होंगे। अधीनस्थ कर्मचारी को अपने सहयोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यक्तिगत कार्यों भी ध्यान दे पाएंगे तो आपके लिए बेहतर होंगे। सरकारी स्वायत्त व्यक्ति अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरतें, अन्यथा दोस्तों कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, तो बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, ये आपके भविष्य की बात है, भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, परंतु घर के प्रति आपका सहयोग व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि घर में भी खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु यश समय विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय आपको मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप पर किसी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति हुई तो आपका पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है, तो दोस्तों इनका खास ध्यान रखें, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके जीवन साथी के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें दोस्तों, यश में बादी प्रकृति के खान पान से परहेज करें और व्यायाम के लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि दोस्तों अगर आप यश में लापरवाही करेंगे तो भविष्य के लिए आपके ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानकारक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि गैस व फिर बदल जमी की समस्या रहेगी, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, ये आपके यश समय के लिए बेहतर साबित होंगे।
और अंत में आपके स्वास्थ्य के लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु आपको अत्यधिक भाग दौड़ी की वजह से सर्वाइकल और सिरदर्द हो सकता है। तो दोस्तों यशमी लापरवाही ना बरतें और काम के साथ साथ अपने के लिए समय जरूर निकालें और व्यायाम और योगा पर यशमी आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों काली हल्दी को सिंदूर व धूप देकर कुछ सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें, इससे धन लाभ होंगे। घर के मुख्य के दरवाजे पर रोज सरसों के दीपक जलाएं, देवी मां लक्ष्मी के चित्र या फिर प्रतिमा पर रोज केसर का तिलक लगाएं। इस उपाय से सालों की पुरानी आपकी जो भी ग्रह भी है वह खत्म हो जाएंगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और इससे ब्रह्मदेव भी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों जरूर इन उपायों को कीजिएगा। धन्यवाद।